Hi guys, with you all, this is Priyanka Singh on English Zone with a new video related to English literature and aapne apni screen pe dekh liya hoga what the topic we are going to discuss in today's video. DSSP PGT English Solve Paper of 2014. Ye hamara aaj ka topic hai video ka and we are going to discuss here 25 MCQs of this paper DSSP in this video. Explanation, we will discuss that question in this video and this is the first part of the video. Aapko aane wale days mein iske second, third, fourth part bhi milenge jisme hum kuch 25 questions discuss karenge jo ki aapke previous year papers mein puche ja chuke hain DSSP PGT English ke. And here we have the first question of this video. The last book of Gulliver's Travel is and options we have here A, B, C, D. Options mein yahan pe aapko mention nahi karungi. Aapke screen pe aapko options dikh rahe hain and go for the right answer of this question and चलिए आपने आंसर का दे दिया होगा. जल्दी जल्दी से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 25 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं विद डिटेल्स. सो बहुत ही ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो एंड आपको विद इन कम टाइम में आप अच्छे से वीडियो को उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप यहाँ पे समझ सको एंड प्लीज अपने नोट्स को आप अपने पास रखिए सो दैट कि आप जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड आप उनको ऑन द स्पॉट नोट डाउन करते चले जाओ. एंड राइट आंसर वी हैव ऑप्शन सी. दिस इज द लास्ट बुक ऑफ द गुलिवर्स ट्रेवल. दैट वॉज द नेम ऑफ द बुक बॉयज टू Huniness. Boys to Huniness is the last book. So, ये जो work है, this is the prose satire written by Jonathan Swift and this is divided into four parts. इसमें जो other four parts इसके हैं, ये आपके सामने mention है. But the last one was the Boys to Huniness. Next important question we have. Venus and Adonis is a long narrative poem by. ऑप्शंस आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा इसका क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, नैरेटिव पोएम है एंड नैरेटिव पोएम की जहां भी बात आती है तो आपने इसका आंसर तुरंत गेस कर लिया होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. दैट वाज विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर इसके हैं. दिस वॉज द लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड जो ये लिखा गया था ये 1593 में लिखा गया था. इट वॉज रिटन इन द ईयर 1593 एंड Venus and Adonis and also Rape of the Lucrece is the two narrative poems that was written, that was composed by William Shakespeare. तो overall आपको समझ में आया William Shakespeare ने two important narrative poems लिखी थी. Venus and Adonis was one of them and which was written in the year 1593. Next important work question we have related to the DSSP PGT 2014 question paper. In Charlotte Bronte's Jane Eyre, the mad woman in the attic is. And we have the correct answer here, that is option C. Option C is the correct answer. Bertha Mason was the lady who played the role, who characterized the role of the mad woman. And it was the important novel by Charlotte Bronte and jo ki published hua hai 1847 में. ठीक है, ये जरूर आप नॉवेल इनका इंपॉर्टेंट वर्क का इस मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए ये. और इट वाज पब्लिश्ड मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट आपको कोई इश्यू ना आए आप इसको नोट डाउन भी करते चलो अपने इंपॉर्टेंट वर्क के. एंड बर्था मैसन वॉज द वाइफ फर्स्ट वाइफ ऑफ द एडवर्ड रोस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ. द ऑथर ऑफ लेवियाथन इज. लेवियाथन के ऑथर का नेम बताना है आपको. ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है ए बी सी डी एंड ए ऑप्शन थॉमस हॉब्स, बी जोनाथन स्विफ्ट, सी जॉन लिली, डी ऑप्शन फ्रांसिस बेकन. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन ए. थॉमस हॉब्स इज द करेक्ट आंसर एंड ये जो पब्लिश हुआ था ये 1651 में पब्लिश हुआ है. ठीक है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा. टू विच काइंड ऑफ पोएट्री डज द कैंटरबरी टेल्स बिलोंग. कैंटरबरी टेल्स जो कि जोफ्री चौसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नम ओपस वर्क है एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड. मिडिल इंग्लिश पीरियड का ये लिखा गया वर्क है. अगर आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड सोसाइटी के बारे में जानना है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी एंड किस तरीके से लोग बिहेव करते थे, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक दैट वॉज रिटन बाय जोफ्री चौसर. एपिक पोएम है, लिरिकल बैलेड, लिरिकल पोएम है या ड्रामेटिक है या नैरेटिव है. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी. दिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट वाज कंपोज्ड बाय जोफ्री चौसर. क्योंकि ये नैरेशन के फॉर्म में है, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी अपने जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे जो पिलग्रिमेज की तरफ जा रहे होते हैं, दे आर नैरेटिंग, दे आर
telling a story, and that all was written by, composed by Geoffrey Chaucer. So it is a narrative work of Geoffrey Chaucer, and the name of the work was The Canterbury Tales. Number 6 question is, Dr. Johnson's The Lives of the Poets is an example of. Dr. Johnson, Samuel Johnson का बहुत ही important work है, The Lives of the Poets. और ये क्या, किस तरीके का इसका, किस तरीके का work है ये आपको बताना है. Option है psychoanalytic criticism है, या biographical criticism है, archetypal criticism है, या historical criticism है. And the correct answer जो इस question से relate करता है, that is option B. This is the biographical work of डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. और ये जो वर्क था, इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1779 में ये पब्लिश हुआ है. शॉर्ट बायोग्राफी एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द 52 पोएट्स दैट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1779 एंड द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स वॉज एन बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म दैट वॉज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. नंबर 7 क्वेश्चन इज, A meter in which an unassented syllable precedes the assented syllable is called. और इसका जो correct answer है, वो option B हमारा है. This is the correct answer. Iambic और pentameter जब आता है, iambic के साथ जब pentameter लगता है, तो वहाँ पे आपके 10 syllables होते हैं. ये pentameter का होता है, ठीक है. और mostly जो poetries लिखी जाती हैं, iambic pentameter में लिखी जाती हैं, lyrical poetries. They followed उनका syllable का जो follow-up होता है. Unassented syllables followed by assented syllables, yes, precedes by assented syllables. This is called iambic meter that is used in composing poetry. So, इस तरीके से देखिए, questions आपने अभी तक समझ लिया होगा कि किस तरीके से exam में questions पूछे जाते हैं आपके. तो आपका कहीं ना कहीं writers, poets से related, authors से related question होगा ही होगा. इसी और साथ ही साथ metric form से related questions होते हैं. तो इस video पे आपको MCQs से related बहुत सारे videos आपको मिल जाएंगे channel पे. आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाकर के चेक कर लीजिएगा. आपको वहाँ पे काफी ढेर सारे काफी अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो कि इस चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है. और आपके आने वाले एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम के लिए आप जाते हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो चलिए नंबर 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. हु इज द फॉलोइंग डिड द क्रिटिक ह्यू वॉल्कर कॉल द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट. प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट किसे बोला जाता है? ह्यू वॉल्कर जो क्रिटिक थे, उन्होंने किसको ये टाइटल दिया है? एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर. और ऑप्शंस के थ्रू आपने इसका करेक्ट आंसर दे दिया होगा. जब मैंने प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट बोला, तभी आपने आंसर इसका दे दिया होगा. एंड जो हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब. एसेज ऑफ इलिया, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एसे का जो वर्क है, ठीक है. तो आप इसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा. एसे ऑफ इलिया, This was written by the Charles Lamb. और उन्हें प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेज इसलिए बोला जाता है, आप जब भी चार्ल्स लैम की बात करते हो, देन यू विल गेट इन द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम ह्यूमर एंड पैथोस ऑन द सेम टाइम इन द एसेज दैट वर रिटन बाई चार्ल्स लैम. और किस तरीके से उन्होंने अपनी ह्यूमरिक क्वालिटी या ह्यूमरिक स्किल्स का यूज किया, एक कॉमन फीलिंग को टच करता हुआ, ऐसे वो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेज लिखे हुए हैं. एंड एसेज ऑफ इलिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वॉज रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर. एंड दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग स्किल्स, बिकॉज ऑफ द टोन, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ही हैड रिटन, एंड फॉर दैट ही इज नोन एज द प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेज. एंड दिस वॉज द सेट बाई क्रिटिक ह्यू वॉल्कर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, The Owl Who Was God is written by whom? And options हमारे पास available हैं, George Orwell, James Thurber, Ernest Hemingway या Oscar Wilde. And the correct answer we have option B. James Thurber was the man, the short story writer who had written this work, The Owl Who Was God. और बहुत ही important, बहुत ही अच्छी story पे ये title लिखा गया है. चलिए number 10 question की बात कर लेते हैं. साकी इज द पेन नेम ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन नेम है, आपको बताना है. एग्जाम में पेन नेम से या शेड्यूलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पे बताना है, साकी इज द पेन नेम ऑफ हूम. एंड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, समरसेट मॉगम, के ए अब्बास, विल्की कॉलिंस या हेक्टर ह्यू मोनरो. एंड द करेक्ट आंसर यू हैड गिवन द राइट आंसर एंड ऑप्शन डी, हेक्टर ह्यू मोनरो वॉज द मैन हु वॉज नोन एज द पेन नेम साकी. इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हुए हैं साकी के नेम से. एंड ही वॉज द ब्रिटिश राइटर.
Next important number 11 question is, dot 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 is known as the father of detective stories. चलिए मैं जल्दी से options भी आपको दे देती हूँ. Detective stories के fathers किसे बोला जाता है? आपके पास options available है यहाँ पे. Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Arthur Conan Doyle, Judith Wright. And the correct answer we have here is option A. Edgar Allan Poe is the correct answer and he is known as the founder or father of the detective stories. और इनके जो important works इन्होंने लिखे, चलिए मैं उसको बता देती हूँ एक बारी. The Murder in the Rue Morgue, ये 1841 का work है. The Mystery of Marie Roget, Thou Art the Man. These all are the important detective works that was written by Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe पे मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें हम उनके डिटेक्टिव स्टोरीज या डिटेक्टिव वर्क से रिलेटेड करता हुआ वो हमारा वीडियो होगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उनके सब्जेक्ट मैटर किस तरीके से वो डिटेक्टिव स्टोरीज को पिक करते थे और उस पे अपने वर्क्स को लिखा करते थे. आप क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हो ना फ्रेंड्स, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा. और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सो दैट मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपका लिए लेके आऊं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में. नंबर 12 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. द ऑथर ऑफ बियोल्फ इज, बियोल्फ यहाँ पे एल होना चाहिए था. द ऑथर ऑफ बियोल्फ इज ये हमारा है. दिस इज एन एपिक पोएम, आप सभी को पता होगा. एंड इट इज एन एपिक पोएम ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड. ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ये एपिक पोएम है जिसको हम एंग्लो सैक्सन एज के नेम से भी जानते हैं. तो आपको बताना है इसके ऑथर का नेम, हु हैड रिटन दिस और हु कंपोज दिस ग्रेट एपिक पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. एंड वी हैव द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, बिकॉज द ऑथर ऑफ द बियोल्फ एपिक पोएम इज अननोन. हम उनको सिर्फ किस नेम से जानते हैं? अननोन के नेम से जानते हैं. या हम ये कह सकते हैं कि बियोल्फ ऑथर पोएट, उनका नेम इंग्लिश लिटरेचर में या ओल्ड इंग्लिश टाइम में किसी को नहीं पता कि किसने ये वर्क लिखा हुआ है. बट दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एपिक पोएम्स वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर. एंड आप कह लो कि ये ओल्ड इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट एपिक पोएम है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश टाइम पे ये लिखा गया था बियोल्फ. एंड दिस इज द ग्रेट स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ अ वॉरियर हुज नेम इज बियोल्फ. द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू, कहाँ पे जा रहे हैं जो पिलग्रिम्स हैं कैंटरबरी टेल्स के लिए जा रहे हैं? इसमें आपको बताना है ए बी सी डी एंड क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पे. एंड इसके क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा क्योंकि आप तुरंत आपने देख के इसका आंसर दे दिया होगा. एंड यस, करेक्ट आंसर जो हमारा है ऑप्शन सी. कैंटरबरी टेल्स की तरफ जो पिलग्रिम्स जा रहे हैं इस स्टोरी में, इस पोयम में, दे वर गोइंग टुवर्ड्स द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी. कैंटरबरी वॉज द प्लेस जहाँ पे सेंट थॉमस बेकेट का श्राइन था. वहाँ पे एक पिलग्रिमेज जर्नी के लिए, यहाँ पे जो 29 पिलग्रिम्स हैं वो उस जर्नी को के लिए जा रहे हैं वहाँ पे अपने प्रेयर्स को ऑफर करने के लिए. नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इज, इन लैंगलैंड्स प्रेयर्स एंड प्लोमैन पियर्स फाइनली अपीयर्स एज. ऑप्शंस आपको मैं दे देती हूँ. यस, ये हमारा ऑप्शन है 14 क्वेश्चन का. विलियम लैंगलैंड, पियर्स एंड प्लोमैन, इट इज एन एलोगोरिकल वर्क ऑफ द लैंगलैंड. एंड आपको बताना है कि किस फाइनली पियर्स जो थे वो किस फॉर्म में अपीयर होते हैं, जो फाइनल का वो था बुक थी. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज जीसस. जीसस के फॉर्म में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. जीसस के फॉर्म में पियर्स फाइनली अपीयर होते हैं इन दिस एलेगोरिकल वर्क ऑफ द विलियम लैंगलैंड, दैट वाज पियर्स एंड प्लोमैन. क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं प्रिंस फ्रेंड्स, मुझे कमेंट जरूर करिए. कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर दिस चैनल एंड फॉर यू ऑल, क्योंकि मुझे एक रिव्यू, एक फीडबैक मिलेगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है. एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूँ आगे आने वाले वीडियोज में कि आपको किस तरीके से कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँ. नंबर 15 इज, द फर्स्ट ट्रेजिडी रिटन इन इंग्लिश इज. आपने इसका आंसर अभी दे दिया होगा जैसे ही क्वेश्चन मैंने बोला या स्क्रीन पे आपने देखा, आपने इसका आंसर पक्का दे दिया होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गॉर्बोडिक. दिस इज द ट्रेजिडी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज और इसका जो सब टाइटल था, या आप कह सकते हो फेरेक्स एंड फॉरेक्स, ये इसका सब टाइटल है. एंड ऑल्सो इट वॉज रिटन बाई, किसने इसको लिखा है, थॉमस सैकवल एंड
थॉमस नॉर्टन, ये ड्रामेटिस्ट हैं, दो ड्रामेटिस्ट हैं, कोलेबरेशन वर्क था गोरबुडिक एंड इट वॉज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, और जो ये पब्लिश हुआ था ये 1561 में पब्लिश हुआ था। एक इंपॉर्टेंट डेट इससे रिलेटेड, पब्लिकेशन से रिलेटेड, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए आप अपने नोट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस वीडियो, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर DSSB PGT के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको बताना है इसका आंसर, इसको किसने लिखा है, इज अ वर्क बाय, ऑप्शंस मैथ्यू अर्नोल्ड, एडवर्ड बर्ग, वर्ड्सवर्थ और एडवर्ड किंग। सो आपने इसका आंसर दे दिया होगा एंड यस ऑफ कोर्स इट वाज रिटन बाय ऑप्शन बी, जो हमारा करेक्ट आंसर है, एडमंड बर्ग ने इसको लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, और ये 1790 में लिखा गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप इसको जरूर डाउट कर लीजिए, पब्लिश इन द ईयर 1790 में पब्लिश हुआ है एंड इट वाज अ पॉलिटिकल पैम्फलेट बाय आयरिश राइटर, एडमंड बर्ग जो थे वो आयरिश स्टेट्समैन थे, पॉलिटिकल पैम्फलेट है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, पब्लिश इन द ईयर 1790। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चल गए जो इस क्वेश्चन का मैंने अभी तक रिपीट किया। आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो अच्छे लग रहे हैं आपको या ज्यादा ओवर हो रहा है, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आपका इसको लेके आऊँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं लेके आऊंगी इसका सेकेंड पार्ट, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा इसका सेकेंड पार्ट, तो मैं उस वीडियो में इंप्रूव कर सकूं कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना कर सकूं ना करूं उसको, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए, आपका एक फीडबैक मुझे चाहिए कि आपको एक्सप्लेनेशन जो भी मैं क्वेश्चन से बता रही हूं वो आपको सही लग रहे हैं या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, प्लीज मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। 17 क्वेश्चन इज डॉट 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 इज अ मोरालिटी प्ले रिवाइव्ड इन द मॉडर्न एज, आपको बताना है इसमें से कौन सा वो मोरालिटी प्ले था जो कि रिवाइव हुआ है मॉडर्न एज में, एंड वी हैव द आंसर ए बी सी डी यहाँ पे, एंड द करेक्ट आंसर इज एवरी मैन, ये हमारा मिडिवल एज का, मिडिल इंग्लिश पीरियड का वर्क है, मिडिवल एज से रिलेटेड वर्क है और ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपका जॉन बनियन का वर्क है, एवरी मैन इज अ मॉरल प्ले रिटन बाय जॉन बनियन, और ये क्योंकि ये मॉरल स्टोरी या क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड ऑन है ये वर्क जो था एवरी मैन, और इसका जो टाइटल है एवरी मैन इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, इसलिए मॉडर्न टाइम में जो एक प्रोटागोनिस्ट या अच्छे करेक्टर का जो प्लेज में या वर्क्स में नॉवेल्स में यूज करे जाते थे, एवरी मैन डिनोट्स देम इन मॉडर्न टाइम, दैट्स व्हाई दिस वाज एवरी मैन प्ले मॉरलिटी प्लेज वाज रिवाइव्ड इन द मॉडर्न एज। नंबर 18 क्वेश्चन इज थॉमस किड वॉज द फाउंडर ऑफ, थॉमस किड He was the university wits writer. आपको बताना है he was the founder of what? Romantic tragedy, revenge tragedy, historic tragedy or restoration comedy. And we have the correct answer is that is revenge tragedy. Revenge tragedy के founder थे और इनका जो work था Spanish tragedy, ये बहुत ही important work है tragedy that was written by Thomas Kidd. And एक तरीके से आप कह सकते हो कि Thomas Kidd was the man who started revenge tragedy. He was the founder of the revenge tragedy. And इसी पे एक तरीके से इसको follow किया है William Shakespeare ने. And that's why he had written great 4 tragedies. We have in English literature, Hamlet, Othello, Macbeth and King Lear. So Spanish tragedy was the great work of the Thomas Kidd. And Thomas Kidd was known as the founder of revenge tragedy in English literature. Number 19 question is, The lines, the lunatic, the lover and the poet. ये important line है, बहुत ही important line है friends, इसको जरूर आप note down कर लीजिएगा। Are of imagination all compact. ये important lines है, आपको बताना है ये किसने बोला है, option मैं आपके पास available कर देती हूँ। ये हमारा option है, Theseus, Pyramus, Bottom और Thisbe. किसने इसको बोला है इस line को, ये किसी important work में ये line बोली गई है, the lunatic, the lover and the poet. Poet are of imagination all compact. The correct answer we have the option A. ये हमारा करेक्ट आंसर है, दिस वॉज सेट बाय थीसिस, और ये किस वर्क में बोला गया है ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि थीसिस जो थे वो कौन सा कैरेक्टर था, वो किस प्ले में ये बोला गया है, एंड दिस वॉज सेट इन द प्ले दैट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर का प्ले था, मिड समर नाइट्स ड्रीम।
आप थोड़ा सा स्पेलिंग में मत जाइएगा. दिस वॉज द वर्क और इसी में ये कैरेक्टर थीसिस था जिसने ये लाइन्स बोली हैं और ये लाइन्स जो बोली गई हैं एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में बोली गई है. ठीक है, ये जरूर आप एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट. मिडसमर नाइट्स ड्रीम वर्क था, प्ले था, दैट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. एंड ये मोस्ट प्रोबली जो पब्लिश हुआ है ये वर्क जो था हमारा वो, सॉरी रिटन ईयर बता दूं मैं आपको, 1595 से लेकर के 1596 के मिड में ये वर्क लिखा गया है, मिड समर नाइट्स ड्रीम. आपको अगर इसमें समझ में ना रहा हो तो मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ. ये दिस वॉज द लाइन जो भी मेंशन किया मैंने, दैट वॉज रिटन, दैट वॉज स्पोकन बाय थीसिस इन द प्ले मिड समर नाइट्स ड्रीम, जिसके एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में ये लाइन्स बोली गई हैं. एंड दिस प्ले वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन द ईयर 1595 to 1596. नंबर 20 क्वेश्चन इज, फैल्सफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है और इसका आंसर भी आपने दे दिया होगा क्योंकि बहुत बारी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. डी इज द करेक्ट आंसर. हेनरी फोर्थ में फैल्सफ इज द कैरेक्टर जिनका मेंशन हेनरी फोर्थ में मिलता है. एंड नेक्स्ट वन वी हैव 21 क्वेश्चन. द फॉक्स इज द सब टाइटल ऑफ, सब टाइटल बताना है. फॉक्स किसका सब टाइटल है? एल्केमिस्ट, पोलपोन, Everyone in his humor, none of these. These all are the important works of the Ben Jonson we have in English literature. So, Alchemist, Walpole and Everyman in his humor, Ben Jonson के important works हैं. आप जरूर इसको note down कर लीजिए. और Fox, the Fox बताना है किसका subtitle है. And the correct answer is we have the Walpole. Walpole is the correct answer. And this was the play. ये सभी important plays हैं जो William, जो Ben Jonson ने लिखे हुए हैं. And it was written in the year 1605 to 1606. He was the contemporary dramatist or poet of William Shakespeare and बहुत ही great admirer थे William Shakespeare के works का Ben Jonson. और ये जो work है, ये play है, Walpole is the sub, Walpole is the play जिसका subtitle है The Fox, and it was a play written in the years 1605 to 1606. Number 22 question is, and the Jungle Book is a collection of stories for children. Jungle Book जो work है, जो book है, ये collection of stories है, बच्चों के लिए book लिखी गई है. And आपको बताना है कि किस तरीके की stories इस book, इस collection of stories में included है, किस तरीके के subject matter को इसमें, जो इसके book के author है, उन्होंने इसको include करा हुआ है. Ghost stories, हॉरर स्टोरीज, एनिमल स्टोरीज और डिटेक्टिव. आप सभी ने ये जंगल बुक मूवी जरूर देखी होगी, बहुत ही फेवरेट होता है बच्चों का, इवन हम लोगों को भी बहुत पसंद आई थी ये मूवी जब आई थी. एंड वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन सी. दिस इज द बुक रिलेटेड टू द एनिमल स्टोरीज. एनिमल स्टोरीज से ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है रूडयार्ड किपलिंग का. ठीक है, इसके जो ऑथर है ही वॉज रूडयार्ड Kipling. The only novel written by Rudyard Kipling is, he had written the one novel and the name of that novel आपको बताना है. We have the answer, that is option D, Kim. Correct answer. So Rudyard Kipling की जो only novel था जो उन्होंने लिखा था, that was the title, that was the name of that novel was Kim, जो कि 1901 में publish हुई है. And this was the Nobel Prize winning novel for Rudyard Kipling in literature we have. Number 24 question is, the expression ancestral voices prophesying war occurs in. किस वर्क में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है? कुबला खान, एस टी कॉलरिज का जो वर्क है. ठीक है, नंबर 25th क्वेश्चन इज, द सोल ऑफ ट्रेजरी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज. दे हैव द ऑप्शंस हियर. करेक्ट आंसर आपने अभी तक दे दिया होगा इसका. सोल ऑफ ट्रेजरी किसको बोलते हैं? According to Aristotle, we have the option, correct answer is option B, that is plot. This is regarded as the soul of tragedy by Aristotle. He was the great critic and he had given the concept of the drama, a tragedy, what kind of tragedy should be, how a tragedy should be written. He had given this concept in his critical work. So friends, here we had discussed important 25 questions related to the previous year DSSSB PGT English papers. आप मुझे जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं. प्लीज प्लीज कॉमेंट मी दैट सो दैट आई कैन मेक एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इफ रिक्वायर्ड, मैं वो चीज इम्प्रूव कर सकूँ. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन एंड वीडियोज के एंड इस चैनल के अदर वीडियोज को आप जरूर
देख लीजिए, मैं यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मेंशन कर दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत ढेर सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल होंगे, आप वहाँ पे जाकर के उनको देख सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।